Assalamualaikum everyone. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में. कहीं आपने देखा होगा, कहीं आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन आप जानते ज़रूर होंगे इस चीज़ के बारे में. आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, इसे किस तरह यूज़ किया जाता है, कौन कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है इसके, किस तरह से आप इसे खा सकते हैं और किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं. जी तो हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में, इवियॉन कैप्सूल के बारे में हम बात करने वाले हैं. ये बहुत ही चीप प्राइस पे आपको किसी भी फार्मेसी की दुकान से मिल जाती है. इजीली आप इसे खा भी सकते हैं, आप इसे लगा भी सकते हैं, लेकिन किस तरह से करना है ये देखने के लिए सबसे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सबसे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप इसे यूज़ कर चुके हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा. इस विटामिन ई कैप्सूल को आप यूज़ कर सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, फटे हुए होंठों के लिए, टू टोन स्किन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके बाल टूट जाते हैं, गिरते हैं, रूखे सूखे हैं, तो इसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. आगे सर्दियाँ आने वाली है तो आप इसे अपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं एक कैप्सूल को, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं. चलें ये तो हो गए बेनिफिट्स, अब हम बात करते हैं कि किन किन लोगों को इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. देखिए अगर आपकी उम्र है 6 साल से कम तो आपको ये टैबलेट्स नहीं यूज़ करनी चाहिए. मैं कहती हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो भी आपको नहीं लेना चाहिए. अगर आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए. ये टैबलेट मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ. जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मैंने एक टैबलेट निकाली हुई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे खा चुकी हूँ और ऐसे बहुत सारा पैकेट्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं. अगर आपके बाल झड़ते हैं या आपको स्किन से रिलेटेड डार्क सर्कल्स, टू टोन स्किन और भी ऐसे बहुत ज़्यादा मसले जैसे फटे हुए होंठ, फटी हुई स्किन, ड्राइनेस, ये मसले हैं आपको, तो जाहिर बात है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की आ गई है कमी. तो हमने इस कमी को करना है पूरा, जो कि है विटामिन सी का बेस्ट इलाज है इन सारे मसलों का. तो आपने इस टैबलेट को कंटिन्यू रखना है 2 मंथ्स. 2 मंथ से ज़्यादा आपने नहीं लेना, और रेगुलर बेसिस पे आपने इस टैबलेट को लेना है. अगर इन 2 मंथ्स में आपका ये इशू ख़त्म नहीं होता, टैबलेट ख़त्म हो गई बट इशू ख़त्म नहीं हुआ, दैट्स मीन आपको विटामिन ई का कोई मसला है ही नहीं. आप अपने विटामिन ई से मुतमईन हो जाएं, और अगर आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी थी भी तो वो कम्प्लीट हो चुकी है. करना क्या है आपने, आपने ये टैबलेट लेनी है. मैं आपको रिकमेंड करूँगी खाने के बाद खाएँ, खाने से पहले ना खाएं, क्योंकि अक्सर लोगों को इश्यूज हो जाते हैं. कोई भी टैबलेट आप ले लें विटामिन की, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप खाने के बाद ही उसे खाएं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि हमें वोमिटिंग आ रही है जब वो खाली पेट इसे लेते हैं, या हमारा दिल ख़राब हो रहा है. तो जब आप भरे हुए पेट से सब कुछ खाएँगे तो आपका बिल्कुल भी दिल ख़राब नहीं होगा, आपको वोमिट कुछ भी नहीं होगा. एक्चुअली इसे खाने का सही तरीका ही यही है. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे खाएं भी लगाएं भी. वो कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर सामने पैकेट पड़ा है 600 mg इवियॉन का. मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस टैबलेट को खाएं और 400 mg को आप लगाएं. लगाने का क्या है, आपने एक पिन इसमें डालनी है. प्लीज़ साफ़ सी पिन लेना आप, क्योंकि आपकी अपनी स्किन है. आप इस पिन से इसे फाड़ना, देन आपने इसको थोड़ा थोड़ा अपनी रिंग फिंगर से लेकर अपने डार्क सर्कल्स पर लगाना है. बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना, थोड़ी देर लगाना है, आराम आराम से आपने मसाज करना है, फिर आपने सो जाना है. अगर आपके आईब्रोज़ की ग्रोथ स्लो है और आप चाहते हैं कि आपके आईब्रोज़ काफ़ी घने खूबसूरत हो, तो आप अपने आईब्रोज़ पे इसे लगाएं, आपके आईब्रोज़ की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाएगी. फिर बात आती है फेस पे लगाने की, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि फेस पे मत लगाएं. जिस तरह हमारे बालों की ग्रोथ को तेज़ करता है, सेम द केस हमारे फेस पर फेशियल हेयर्स होते हैं, उसकी ग्रोथ भी इससे तेज़ हो जाती है, जो कि बहुत ही वियर्ड लगते हैं. सो मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी कि इसे फेस पर मत लगाएं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप इसे अपने किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं. अब बात आती है खाने की, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये 600 mg वाली इवियॉन कैप्सूल.
अब आप सोच रहे होंगे 400 है, ये 600 है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होता है अपनी हेल्थ को लेकर, मैं भी हूँ, आप भी होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर है, आपके बालों को ही सही करेगा, आपकी नज़र को ही सही करेगा, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आप इसे रेगुलर खाया करें, आप इसको 2 महीने तक लें, ये बहुत ही जल्द अपना असर दिखाएगा और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो एक टैबलेट आपने खानी है और एक टैबलेट आपने लगानी है। ये प्रोसेस आपने 2 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली करना है। इसके बाद आपको इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मिलेगा। सो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट चेक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।